खंडवा जिले के हनुवंतिया टापू पर पर्यटकों के रुकने के लिए खास कॉटेज भी बनाए गए हैं। इतना ही नहीं, इस टापू को प्रमोट करने के लिए एमपी टूरिज्म 12 फरवरी से जल महोत्सव का आयोजन भी करने जा रहा है, जिसमें वाटर स्पोर्ट्स के अलावा कई तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स का भी आयोजन किया जाएगा। करीब 7 एकड़ क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे बनाए गए हनुवंतिया टापू का नजारा देखकर यहां आने वाले सैलानी भी रोमांचित हो उठते हैं। खासकर जब नर्मदा नदी की लहरें किनारे पर पहुंचती हैं, तो यहां का नजारा गोवा जैसा दिखाई देता है। वहीं पर्यटकों के रुकने के लिए यहां खास तौर पर कॉटेज भी बनाए गए हैं, जिसमें पर्यटक यहां के इस खुशनुमा नजारे का पूरा मजा ले सकते हैं। मध्य प्रदेश का हनुवंतिया टापू यकीनन गोवा से कम नजर नहीं आता। जी हाँ, नर्मदा नदी पर जैसे ही नर्मदा पी यानी कि क्रूज इन लहरों पर दौड़ता है तो पर्यटकों का रोमांच और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जिस तरह से यहाँ पर हनुवंतिया पर पर्यटन के नजरिए से अलग अलग चीजों को विकसित किया गया है। वाटर स्पोर्ट्स की बात करें हम तो यहाँ पर क्रूज नजर आता है और साथ साथ में यहाँ पर वाटर स्कूटर भी जो है वो उसका भी पर्यटक साफ तौर पर जो है वो मजा लेते हुए दिखाई दे सकते हैं। आने वाले दिनों में जिस तरह से मध्य प्रदेश सरकार पर्यटन को क्षेत्र में और भी ज्यादा बढ़ावा देने की बात कर रही है, उस लिहाज से सबसे बेहतरीन नजारा हमें हनुवंतिया टापू पर दिखाई देता है। जिस तरह से अगर हम लोग देखें तो नदी के किनारे पर यहाँ पर पर्यटक जो है वो मजा लेते हुए दिखाई देखे जा सकते हैं। साथ ही हम लोग अगर दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर जो है वो कॉटेज यानी कि साफ तौर पर पर्यटकों को रहने के लिए विशेष तौर पर कॉटेज यहाँ पर बनाए गए हैं। इन कॉटेजों में तमाम जो है वो व्यवस्थाएं की गई हैं जिससे पर्यटक यहाँ पर 2 से 3 दिन तक ठहर सके और इस पूरे पर्यटन स्थल का मजा ले सकें। वाकई में यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर जो डैम बनाया गया है, हम सीधे तौर पर कहें तो इंदिरा सागर डैम पर जो ये नज़ारा दिखाई देता है, वाकई खास तौर पर पर्यटकों को आकर्षित कर रहा है। इस तरह से
कैबिनेट की बैठक यानी कि प्रदेश की शिवराज कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, उसको लेकर भी यहां पर खास तैयारियां की गई है। तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में हनुमंतिया टापू एक पर्यटन स्थल के तौर पर बेहतरीन जो है वो छाप छोड़ेगा और आने वाले दिनों में यहां पर पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा हो सकता है। मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन निगम ने यहां टूरिज्म के लिहाज से कई खास इंतजाम किए हैं। अधिकारियों की माने तो हनुमंतिया टापू पर आने वाले पर्यटकों की संख्या में रोजाना इजाफा हो रहा है। देखिए हनुमंतिया टापू जो डेवलप हुआ है ये चारों तरफ पानी है, ये नर्मदा जी का अपना इंदिरा सागर डैम का बैक वाटर है और ये टापू है और इसको टापू को डेवलप किया है और काफ़ी अच्छा ये हाईलाइट भी हो गया, बहुत शानदार। ये इस तरह से जो भी गेस्ट पर्यटक आते हैं बड़ा खुश होकर जाते हैं। इतना सुंदर पॉइंट पूरा एमपी में कहीं पर नहीं है सर। क्या क्या पर्यटन के लिए ऐसे कौन कौन पर्यटन के लिए हम लोगों ने यहाँ बोटिंग शुरू की है, उसमें बड़ा बड़ा क्रूज है हमारे पास में, मिनी क्रूज भी है और चार स्पीड बोट हैं, वाटर स्कूटर्स हैं, ठीक है सर। तो उनका टिकट भी बहुत रीजनेबल यहाँ रखा हुआ है, तो काफ़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं और खूब आनंद ले रहे हैं, बहुत खुश होकर जा रहे हैं। उनकी इच्छा है कि और भी ज्यादा डेवलप हो और सब ज्यादा डेवलप आगे फ्यूचर में जैसी प्लानिंग होती जाएगी डेवलप होता चला जाएगा। इंदौर और खंडवा ही नहीं बल्कि दूर दूर से यहाँ पर्यटक हनुमंतिया टापू को निहारने के लिए पहुँच रहे हैं। खंडवा के लिए, लोगों के लिए और आसपास का जितना भी एरिया है जो दूर से भी आ रहे हैं, जैसे हम खरगोन से आए हैं और इसके बारे में सुना था दोस्त के माध्यम से, तो बहुत अच्छा बोला गया है और जितना सुना था उससे कहीं अधिक देखा गया है। बहुत इंजॉय करे और बहुत अच्छा लगा है, ऐसा लग रहा है कि यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है। हाँ, बहुत रौनक भी है। आने वाले दिनों में आपको लगता है और भी लोग यहाँ पर आएंगे? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि एमपी में मैंने देखा है कि टूरिस्ट पॉइंट नहीं है, ये पहली जगह है कि मुझे बहुत अच्छी लगी है और यहाँ पे नेचर वगैरह बहुत अच्छा है, प्लेजेंट है। इंदिरा सागर बांध स्थित हनुमंतिया टापू पर आगामी 12 से 21 फरवरी तक जल महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। इसके लिए यहाँ टेंट लगाए गए हैं और साथ ही साहसिक और रोमांचकारी पर्यटन का लुत्फ उठाने के शौकीन सैलानी जल महोत्सव के दौरान वाटर स्पोर्ट, पतंगबाजी, वॉलीबॉल जैसे खेलों का भी मजा उठाएंगे।